ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय तनु. डू यू एवर फील बैड कि जब आपकी मेहनत करते हो फिर भी आपके सब्सक्राइबर आर लेस देन योर फ्रेंड्स. आई रियली डोंट फील गुड फॉर यू. लव फ्रॉम गुजरात. यू आर द बेस्ट. यू डोंट फील गुड फॉर मी. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एयर एस एच एफ एम और फैम, एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ केवन ए वेडनेसडे. फाइनली हम थर्ड एपिसोड तक पहुंच चुके हैं, एंड बिना कोई देरी करे करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट. आज के मैंने थोड़े डैम फैम रिलेटेड भी क्वेश्चन चूज किए हैं. सो या आर यू गाइस रेडी? रेडी बोलो. हाँ हाँ ओके. सो लेते हैं पहला क्वेश्चन. वैष्णवी ने पूछा. हाय वैष्णवी, डू यू हैव एनी टैटू? नो आई डोंट हैव एनी टैटू. वैसे मेरा मन नहीं करता कुछ टैटू वगैरह करवाने का परमानेंट चीज़, क्योंकि एक बहुत परमानेंट चीज़ मेरे शरीर पे पहले ही है वह ऑपरेशन. सो या इन फ्यूचर टैटू का मैं सोचूंगा, बट अभी कुछ है नहीं सीन टैटू का. एंड ये कुछ ये भी नहीं है कि मेरे घर वाले रोक रहे हैं. मेरे घर वाले कहते जो करना है कर, बस 20 दिनों करवाइयो. सो या आई डोंट हैव एनी टैटू, बट मैं करवा सकता हूँ कभी कुछ भी, बट बहुत सोच के करवाना पड़ेगा. बट या नेक्स्ट क्वेश्चन. आयशा ने पूछा. आयशा दीन, आई हैव थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई यूट्यूब जर्नी. सो वट वुड यू रिकमेंड एज द मोस्ट एसेंशियल थिंग टू टेक केयर ऑफ एट द स्टार्ट? कैमरा, लाइट्स, माइक एक्सेट्रा. ओके, अगर जर्नी स्टार्ट करनी है तो सबसे स्टार्टिंग में यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन हैविंग ए कैमरा, आई थिंक. सो सबसे पहले आप एक कैमरा लो. अगर आपको पता आपने यूट्यूब शूट करने है या यूट्यूब पे आना है, कैमरा भी इन्वेस्ट करो. G7X Mark II आई थिंक बेस्ट कैमरा फॉर व्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स एज वेल. एंड माइक वगैरह, लाइट्स वगैरह, ये बहुत बाद की चीज़ है, बहुत बाद की. मैंने पर्सनली माइक अब लिया है, आई थिंक 450K सब्सक्राइबर के बाद जाके माइक लिया है. एंड लाइट्स तो मैंने अभी तक नहीं ली. जो भी लाइट आ रही है चलो वो यूज़ कर लो. सो या आई थिंक कैमरा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जब तक आप 100K 200K कुछ गेन नहीं कर लेते हो, एंड वही यूट्यूब की इनकम से आप सेव कर करके बाकी चीज़ें भी लो. सो या बाकी अगर फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, किसी के पास आईफोन होता है, कुछ भी होता है, तो कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ़ोन में ही क्या ले दोस्त, ठीक है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेरे को वंशा ने. वंशा लोहाना, योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ तंजील. वी नो हिज एवरी सिंगल सॉन्ग इज बेस्ट, बट विच वन इज योर मोस्ट फेवरेट? सो ये तंजील के लिए है. सो तंजील का मेरा फेवरेट सॉन्ग आई थिंक दिल्ली की लड़की ही है अभी तक, क्योंकि जब उसने ये गाना लिखा एंड सिंपल वॉइस रिकॉर्ड पे गाया था कि चलो आशी को बर्थडे पे सिर्फ यही सुनाऊंगा मैं, बट उसके बाद हमने बोला नहीं, मतलब सबने ये एडवाइस की कि तू इस पे म्यूज़िक लगवा, ये कि बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छे लिरिक्स है, मतलब कर सकता है. एंड वो बर्थडे के कुछ 4-5 दिन पहले ही होगा आई थिंक, जब उसने एक रॉ वर्जन सा सुनाया था, लिखा हुआ दिखाया था. तो उसके बाद म्यूज़िक लगवाया, तो म्यूज़िक के बाद हुआ एक वीडियो भी बन जाए तो मज़ा ही आ जाएगा. तो उसने फटाफट स्टूडियो में शूट की, इंडोर शूट की वीडियो, एंड वीडियो क्या थी यार, मतलब नेक्स्ट लेवल. एंड इस बंदे में हमेशा मैं बहुत प्राउड करता हूँ, क्योंकि यार मतलब इतनी एज में बंदा इतना टैलेंट लेके बैठा है, गाने खुद लिख रहा है, कंपोज कर रहा है, गा रहा है, एंड वीडियो में भी क्या बाप वीडियो बन रही है यार, मतलब. बट मेरा फेवरेट सॉन्ग दिल्ली की लड़की ही है अभी तक, बाकी भी है बेफिक, मतलब सभी फेवरेट सॉन्ग है, बट जहाँ से बंदा स्टार्ट होता है ना वो चीज़ सबसे बड़ी होनी चाहिए, एंड वो है अभी तक. प्राउड ऑफ यू बाबा, लव यू. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय वंशिका. हाय वंशिका, काफ़ी क्वेश्चन एक लाइन में है. यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द डैम फैम मेंबर विच हैव द विच हैज दिस क्वालिटी. ओके ओके सो काम, आई थिंक सबसे ज़्यादा हम में से रिशु ही है, क्योंकि वो होता है यार ठीक है कुछ भी कर लो मेरे साथ. क्यूटेस्ट, क्यूटेस्ट गाइस रिशु ही है. क्यूटी. फैशनेबल फीमेल, फैशनेबल फीमेल गाइस आई थिंक तीनों है यार, अगर प्रॉपरली अगर आप देखो ना, कि अगर आशी अपने टाइप के डाल रही है, मतलब वो पंजाबी वाले भी उसमें प्रॉपर पंजाबी शूट करता है, सो फैशनेबल फीमेल सबसे ज़्यादा तीनों ही है. आशना का भी फैशन सेंस नेक्स्ट लेवल, उन्नति का भी नेक्स्ट लेवल, कुछ अलग अलग ही डाल देते गए मैं, गाइस आशी का भी. सो या तीनों का, मतलब ये मैं एक का भी हम नाम दे सकता था, मेरे को भी सीन में हाँ ये लगता है मेरे को, बट मेरे को पर्सनली तीनों लगती है. सो या
फैशनेबल मेल संकू। मगर यार संकेत है ही है, वो तो हर बंदे भी पता, हम खुद को पता, सबको, जो लाला जी अपने एक ही कपड़े घुमा फिरा के जो कर देते हैं ना, और ऊपर से फोटो, मज़ा ही आ जाता है। सो यार फैशनेबल मेल अगर मैं बोलूँ तो लाला जी हमारे, शॉर्ट टेम्पर्ड मैं खुद, मेरे को इतनी जल्दी गुस्सा आता है ना कि चीज़ें देख के, या कुछ भी का किसी की भी लड़ाई चल रही हो, मतलब मेरे को गुस्सा आ जाएगा कि अगर मेरे को पता है वो गलत है तो मैं चुप कर जाऊँ, मेरे सामने मत लड़ो यार, मतलब मेरा ऐसा ही सीन है, मेरे कंट्रोल नहीं होता मेरे से। अगर मेरे को पता लगे कि चीज़ गलत हो रही है, या मैं किसी को देख लूँ, या कोई और अननोन बंदा भी है, तो मैं उसके लिए जाके खड़े होऊंगा कि नहीं भाई, शॉर्ट टेम्पर्ड मैं हूँ, मतलब सिर्फ लड़ाइयों के लिए नहीं, खुद के लिए भी मतलब गुस्सा आ जाता है यार। वैसे तो कुछ एडिट वगैरह भी नहीं हो रहा है, या कुछ बहुत चीज़ें जो पहले आराम से हो जाती थी, बाद में थोड़ा ग्लिच से हो, मैं मतलब तोड़ दूंगा वो चीज़ को, मतलब ऐसा सीन है मेरा। कल यही हुआ था, मेरे को 3 घंटे लगे एक छोटी सी वीडियो एडिट करने के लिए, चाहे वो 1 घंटे की थी, बट सीधी लगानी थी, उसके बाद वो एडिट नहीं हो रही थी, नहीं हो रही थी, सीसीटीवी कैमरा की फोटेज थी वो। सो बाद में जाके मेरे को सर्च सर्च करके, इतने आर्टिकल पढ़ के, एरर्स के बारे में पढ़ के पता चला कि जो सीसीटीवी कैमरा का फॉर्मेट होता है वो काफ़ी अलग रहता है, सो वो एक्सपोर्ट नहीं होता, सो मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ा MOV में, MP4 में, पता नहीं कौन से कन्वर्टर से निकाला। सो एट द एंड रात को 12 बजे जाके वो कन्वर्ट हुआ है, तो मेरे दिल को चैन मिला, एंड मैंने कल जिम भी नहीं किया, डेट्स वाई, क्योंकि जो चीज़ मेरे से ना हो पाया इजीली, मेरे को वो चीज़ करनी रहती है, क्योंकि वो चीज़ हो सकती है तो मैंने की है, ठीक है। शेफ रिशु है हमारा शेफ, तो चलो बेटे कॉफ़ी तो नहीं बोलूँगा अब उसे, मतलब शेफ रिशु ही है, थाई चिकन लो सब कुछ। वेरी लंबा क्वेश्चन, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिधि ने, हाय रिधि, How do you decide to be a lawyer? अच्छा, how do you decide to be a lawyer? Okay guys, so ये lawyer का जो मेरा असली सीन है, वैसे तो मेरे मामा जी भी lawyer है, so family में एक बंदा lawyer होना चाहिए, तभी दूसरे को बंदा बोलता है ना ये lawyer बनो या जो भी है। so basically मैंने law इसलिए किया, सबसे पहला मेरा reason ये था क्योंकि मैं कुछ ऐसा stream ढूंढ रहा था जिसमें maths ना हो, एक भी numerical ना हो, क्योंकि मेरी math बहुत weak है, 10th में भी बहुत वीक थी, तो जाके मैंने कॉमर्स लिया था कि कुछ ज़्यादा मैथ ना हो उसमें, एंड सिर्फ अकाउंट्स ही था, बट मैंने अकाउंट्स भी कर लिया था, बैलेंस शीट बनानी बहुत डिफिकल्ट थी। सो मैंने लॉ जब फर्स्ट ईयर किया, मज़े ही आ गए, कोई न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ थ्योरी थी, क्या लॉ ऑफ डॉट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिर्फ आर्टिकल्स ज़्यादा थे, बट वो तो बंदा पढ़ ही लेता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है ना चीज़ें, वो लाइफ पे चीज़ें है, ऐसा नहीं है कुछ हवा में चीज़ है कि जो हम देख नहीं सकते उसके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब लाइफ की चीज़ है। सो बहुत मज़ा भी आने लग गया था सेकंड थर्ड ईयर में, तो मज़े ही आने लग गया था जब पता चलता इसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी, हम कहीं पे घूमने जाते थे कुछ वहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, तो हाँ भाई इसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी, या इसने ये किया, मतलब खुद को नॉलेज अगर अच्छी लगने लग जाए तो वो नॉलेज ही नॉलेज होती है, तो मज़े आ जाते हैं, वाह क्या बोल दिया। बट मेन रीज़न मेरा शुरू में यही था, उसमें न्यूमेरिकल ना हो, कुछ भी ऐसा पढ़ो न्यूमेरिकल ना हो। योर इंस्पिरेशन, ओह सेम क्वेश्चन आ गया। सो गाइज मेरा इंस्पिरेशन हर बंदा है मेरा इंस्पिरेशन, बेसिकली मैं हर बंदे से चीज़ें ग्रैब करता हूँ जो मेरे पास खुद नहीं है, या मैंने कभी सोची नहीं थी वो करने की, लाइक फिटनेस हो गई, फिटनेस के रिलेटेड कुछ भी अलग अलग चीज़ें हो गई, कोई प्रोडक्ट कोई रिव्यू कर रहा है, तो वो मेरा इंस्पिरेशन बन जाता है कि वो हाँ अच्छे तरीके से किसी को समझा रहा है, सो हाँ मतलब वो चीज़ के लिए वो मेरे को इंस्पायर कर रहा है ना। अगर कोई मेरे सामने बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो वो बंदा मेरे लिए इंस्पिरेशन हो जाएगा कि हाँ अगर ये दिन रात बैठा रहता तो वाई नॉट मी, है ना। तो हर चीज़ ग्रैब कर लेता हूँ मैं हर बंदे से, एंड वो चीज़ों के लिए वो बंदा मेरा इंस्पिरेशन बन जाता है। वाह मतलब यही है जो दिमाग में, यार काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, बट यस समझ गए हो ना यार, प्लीज़ समझो, है ना। वाई डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट ए यूट्यूब? ओके मैंने ये नहीं डिसाइड किया था कि मेरे को यूट्यूब स्टार्ट करना है, सो YouTube पे मेरे को कुछ नहीं डिसाइड करना था कि मेरे को ये स्ट्रीम में भी आना है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी है, ये डिसाइडेड नहीं होती। आपने शुरू से कुछ भी बनना होता है, IAS बनना होता है, कि उन्हें क्या बनना होता है, बट वो मन में होती है चीज़ें। ऐसे तो मेरे को भी इंजीनियर बनना था, मेरे को भी गाड़ियाँ बनानी थी, समझ रहे हो, इट्स जस्ट ऑल अबाउट गो विद द फ्लो, ठीक है। अभी मैं म्यूजिकली भी आया, म्यूजिकली भी अभी लोगों का क्या सीन था, क्या कमेंट्स आते थे कि आप एक्सप्रेशन बहुत अच्छे बनाते हो, या फनी लगते हैं आप, कुछ भी लिपसिंग भी कर दो तो भी फनी लगती है,
सो उसी चीज़ को मैंने चेंज करके थोड़े डुएट्स पे अलग अलग तरीके से डुएट किए हैं, जो मतलब नॉर्मल नहीं चल रहे थे, मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं सीरियस डुएट नहीं देख सकता, मेरे को कुछ ना कुछ क्लोली करना रहता है। सो या यूट्यूब पे आने का डिसीजन यही था कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर रहे हैं तो बाकी प्लेटफॉर्म पे भी मेरे को लगा कि हाँ मैं वहाँ पे भी ग्रो कर सकता हूँ। सो मैं यूट्यूब पे आके व्लॉग्स वगैरह बनाए, अपने टाइम में बनाए, मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे व्लॉग्स में बोलता हूँ। सो वो चीज़ें भी लोगों को पसंद आ रही है, कनेक्टेड है मेरे साथ, मेरे से लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, मेरे को उनके कमेंट से कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कमेंट से, इतने अच्छे अच्छे कमेंट जब बंदा पढ़ता है कि हाँ आप ये भी चीज़ करो वो भी करो, तो मैं करने का ट्राई भी करता हूँ। सो वो चीज़ करके भी मेरे को और मज़ा आता है कि हाँ मेरे को किसी ने सजेस्ट की थी ये चीज़ करने को एंड मैंने की, एंड उसके बाद वही दिमाग में इफेक्ट होता है ना कि हाँ बहुत अच्छा लगा। सो यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट, अच्छा लगाओ अपने आप को, अच्छा काम करो। सो यार बी ए अच्छा बॉय, नहीं तो गंदा बॉय विल लीड्स यू ए वेरी बैड लाइफ, बाद में हम इस्तेमालेंगे आपको मिलो कोर्ट में। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अर्शिया, डिस्क्राइब योर फ्रेंडशिप विद आशना एंड हाउ इम्पोर्टेंट शी इज इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ लव अर्शिया। ओके आशना के बारे में, डिस्क्राइब योर फ्रेंडशिप विद आशना। ओके सो पर्टिकुलर अगर हम आशना को लेके चलें, सो आशना मेरी डैम फैमिली से ऐसी दोस्त है जो बहुत खास दोस्त है मेरी। कोलकाता MNG में आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम पे आशना को मिला था एंड फर्स्ट डे हमारी कोई बात भी नहीं हुई थी। सो आफ्टर दैट हम जब खुले, बातें बुतें स्टार्ट हुई तो पता लगा कि हाँ सभी सेम ही बातें कर रहे हैं, सेम ही माइंड सेट है, मस्ती कर रहे हैं, जो भी है। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक आशना मेरे लिए बिल्कुल सेम है, कि ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, कि मतलब जो पर्सनली हमने एक दूसरे का बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब वो आज तक वैसा का वैसे ही मेंटेन है, चाहे हम बात करें ना करें, बट स्टिल जब भी हम मिलते हैं बॉन्ड वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि कम बात की है तो मिलके भी हम कम बात करेंगे कि हाँ हमने तो इतने टाइम से बात नहीं की तो मिलके भी क्यों करें, मतलब ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। एक माइंड की अंडरस्टैंडिंग है, एक दिल से प्यार है एक दूसरे के लिए एंड दिल से रिस्पेक्ट है, बिकॉज वी आर इन द एल्डर गैंग। सो या मतलब कुछ भी मेरे को हेल्प चाहिए रहती है मैं उसे बोलता हूँ, और वो बिना झिझके के मेरे से कुछ भी पूछती है, कि मतलब हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हाँ हेल्प करनी पड़ेगी ये वो, मतलब ऐसा दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता। उन वन को होता है ना आशना, ये हाँ चलो अर्श अर्श ये चलो आशना, मतलब ऐसी फ्रेंडशिप है एंड ऐसी फ्रेंडशिप ही होनी चाहिए सबकी, कि जो लास्ट तक बिल्कुल भी चेंज ना हो किसी के लिए। तो यार लव यू आशना, नाइस क्वेश्चन, डेफामेडिशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा है नाज ने, यू हैव टू नेम एनी डैफएम मेम्बर यू हैव, अच्छा हु हैव दीज क्वालिटीज, शॉर्ट टेम्पर्ड मी बता दिया था, फूडी 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 में दो नाम लूँगा, एक तो आशी, ठीक है, रात को पहन के खाना होता है, चीज के खाना होता है, मतलब खाने खाना होता है, और दूसरा नाम लूँगा आशना, क्योंकि इतने ट्रिप्स मारे हैं, मेरी टेम्पो पार्टनर है, मेरे साथ बैठ के चल ले चल रहे, कुछ खाने को नहीं पड़ा, अरे ऑरेंज लेके आओ ना। सो यार आशना आशना एंड आशी बेस्ट शेफ, अपना रिशु एंड दूसरे पे चाय के मामले में एडी एंड सभी कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं एट शपोलिक मी उन्नति मानव संकेत, मतलब काफ़ी शॉपिंग करते हैं यार, मैं तो पागल रहता हूँ, आशना भी बहुत, रिशु बहुत कम करता है वैसे गाइस, वो सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स या परफ्यूम्स, ऐसे नहीं कि कपड़े जूतों का उसका मूड है, मतलब ऐसा नहीं है, जिसको कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज ऋषभ छाबड़ा, कुछ भी कह लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना वो किसी के साथ बिगाड़ता है, उसका बंदा ही वो ऐसा है, समझ रहे हो कि मतलब बहुत ही पकड़ के मार। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सौम्या, हाय सौम्या, वाओ हाउ डू यू फील व्हेन द वीडियो यू डिड द मोस्ट हार्ड वर्क फॉर डज नॉट गेट इनफ अप्रिसिएशन बट लव यू द मोस्ट एंड विल नेवर स्टॉप वॉचिंग योर वीडियोज। ओके सो सौम्या का ये क्वेश्चन है कि जो मैंने वीडियो इतना हार्डवर्क से किया है एंड उस वीडियो पे इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, सो आपको कैसा फील होता है। ओके सो जो मेरे दिमाग में चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ, कि अप्रिसिएशन नहीं मिला ये मैं कभी सोचता नहीं हूँ, कि मैंने किसी चीज़ पे हार्डवर्क किया है वो भी मैं सोचता नहीं हूँ, जस्ट जब
सब कुछ हो जाता है तो जाके पता लगता है कि तूने 3 महीने हार्डवर्क किया या 1 साल हार्डवर्क किया है। क्योंकि जब बंदा कर रहा होता है उसे खुद को नहीं, मेरे को तो पर्सनली नहीं पता चलता कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट होता है वो चीज़ में, है ना। वो लोगों के कमेंट्स बताते हैं कि कितना हार्डवर्क था ये, मे बी दैट थिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम और दे कांट डू, सो उनको लगता है कि ये बहुत हार्डवर्क है। बट जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे को वो इंटरेस्टिंग ही लगता है, और मैं ये चीज़ कभी नहीं सोचता कि मेरे को कमेंट्स कम आया, व्यूज़ कम आया, कभी भी नहीं सोचता। एंड जितने भी चाहे मेरे को 10 कमेंट भी हो, एंड 10 के 10 कमेंट अच्छे भी हो या उसमें से 1 कमेंट गलत हो या 9 कमेंट अच्छे हो, सो मैं हमेशा रेशियो देखता हूँ। एंड रेशियो के हिसाब से आज तक आई थिंक मेरे को कभी इतना हेट नहीं मिला, हमेशा 0.1% ही रहा है। अगर डिसलाइक्स भी देखो वो भी 0.1% है, लाइक्स अगर 40,000 है तो 100 डिसलाइक का मैं क्या करूँ, समझ रहे हो, ऐसे बंदे होते हैं। सो यार अगर हार्डवर्क वाली वीडियो देखो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली, उस पर व्यूज़ कम होंगे बट जो रियल कमेंट्स होते हैं ना, कुछ 3.5K कमेंट्स है वो वाली वीडियो पे। एंड हर कमेंट कोई स्पैम नहीं है, मतलब एक आधा स्पैम होगा बट हर कमेंट अलग अलग इंडिविजुअल ने भेजा है, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि 3,500 लोगों ने अपना टाइम निकाला वो पूरी वीडियो देखने के लिए एंड कमेंट करने के लिए। एंड वो भी आज भी मैं कमेंट रिफ्रेश करके देखता हूँ नए नए कि किसके आया है, एंड दिल ऐसे रहता है कि यार सही है। सो यार आई नेवर फील बैड अबाउट कमेंट्स और व्यूज़, ना मैं किसी के साथ इस चीज़ के लिए कंपटीशन रखता हूँ कि मेरे को उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर करने हैं, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स करने हैं। अगर ये चीज़ करनी होती ना मेरे को, मैं सीरियसली बताऊँ, जिस जगह पे हूँ ना मैं कई लोगों को DM कर देता, चलो लेट्स कोलैब, दोस्ती कर लेता सिर्फ कोलैब करने के लिए, हफ्ते की दोस्ती कर लेता किसी मिलियन वाले के साथ, 2-3 वीडियो बना लेता, फॉलोअर्स एक्सचेंज हो जाते, मतलब सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा है। बट मेरा है नहीं वैसा सीन कि मेरे को सिर्फ दोस्ती एक कुछ फॉलोअर्स के लिए करनी है या एक उसके लिए करनी कि हाइप के लिए कि अचानक से फॉलोअर्स स्पाइक हो जाए मेरे, नो। अगर दोस्ती करो तो ऐसी करो ना कि मतलब दोस्ती दोस्ती लगे एंड कुछ लंबी चले, एक हफ्ते की दोस्ती चलो बुलाना छोड़ दो, किसी और को पकड़ लो, चलो किसी और, मतलब ये सीन मेरा नहीं है बिल्कुल भी। बट जो कर रहे हैं इट्स वेल एंड गुड फॉर देम, मतलब उनकी लाइफ सही जा रही है, सो हम क्या करें, क्या ही बोल सकते हैं, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मोहम्मदी रिफात, शायद अगर यही सही प्रोनाउंस है। द फनीस्ट मेमोरी विद योर स्विमिंग ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड। ओके सो मेरे भाई के साथ अपनी मेमोरी बताता हूँ, फनीस्ट ना। सो मैं और मेरा भाई बहुत पिटाई खाते थे मम्मी से हमेशा, कुछ ना कुछ कांड करके। सो हम क्या करते थे, मम्मी डंडा उठा के भागते थे हमारे पीछे मारते थे वो क्या करता था, हेलमेट रख लेता था सर पे, ले अब मारो मारो। घर ना कुछ ऐसा, हर हर बच्चे का घर ऐसा होता है कि एक दरवाजे से निकलो उधर से निकल के पूरा घर घूम सकते हैं हम, है ना। मम्मी पीछे पीछे हम घर घूम रहे हैं, वो बीच में बेड से टर्न करके पीछे आ रहा, मेरे को हेलमेट दे रहा, मैं हेलमेट करके मम्मी के सामने दोनों ऐसे खड़े, हेलमेट मार वो, मतलब इतना कुछ गलत नहीं करते थे बट हो जाता ना कभी कभी घर वाले भी पूरा गुस्सा कि अब तो गया ये, तो मम्मी भी हमेशा हंसने लग जाते थे क्योंकि है भी हम दोनों भाई। मम्मी भी हमेशा हंसने लग जाते थे क्या करी जा रहे हैं यार। और मेरे भाई के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए, वो कैनेडा में है, मेरे से 3 साल बड़ा है एंड उसने BTEC की है, सो यार जब वो आएगा इधर मैं मिलाऊंगा। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय तनु। डू यू एवर फील बैड कि जब आपकी मेहनत करते हो फिर भी आपके सब्सक्राइबर आर लेस देन योर फ्रेंड्स, आई रियली डोंट फील गुड फॉर यू, लव फ्रॉम गुजरात, यू आर द बेस्ट, यू डोंट फील गुड फॉर मी। बट गाइस मैंने अभी बताया कि मेरे को किसी के साथ नहीं है कॉम्पिटिशन, एंड मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं अभी 500 के होने वाले, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मेरे नहीं है कंपटीशन किसी के साथ, ना मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा सब्सक्राइब करने, मेरे ये दोस्त के इतने, मेरे को इतने करने। अगर मैं ये चीज़ सोचने लग गया ना तो वो बंदे के साथ मेरी ख़राब होएगी, उस बंदे के साथ मेरा वो हो जाएगा एक दिमाग का कनेक्शन कि नहीं नहीं हम तो एक कंपटीशन गेम खेल रहे हैं, जो कि हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनली मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी के साथ कंपटीशन गेम खेलनी है, मैं तो हर बंदे के साथ सेम हूँ क्योंकि हमारे दोस्ती के कंपटीशन है कि कौन कितने साथ ज़्यादा रहेगा। सो या मेरा किसी के साथ ऐसा कंपटीशन का गेम नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट लव, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं नो मैटर वाट, खड़े रहेंगे। एंड ऐसा ये फॉलोअर्स वगैरह बहुत बात की चीज़ है, हमारी दोस्ती आई थिंक पहले आती है ये चीज़ें, मैं तो नहीं सोचता ना, आई थिंक कोई भी नहीं सोचता हमें से कि सब्सक्राइबर है, हम एक दूसरे का वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस तो चल जितने आप फन करते करते हैं बट बिहाइंड द कैमरा और ज़्यादा फन रहता है।
Yeah. I have no competition with my friends. Okay. So the next question is by Deepak Sethi. How do you manage your daily vlogs, editing, etc.? It's just okay. So it's just part of my life ki daily vlog main bana raha hun and editing bhi main kar raha hun. So abhi bhi main वेडनेसडे को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और अभी जाके मैं एडिट कर लूँगा, रात को एडिट कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे को आदत हो चुकी है. मैं बड़े बड़े व्लॉग्स भी आधे आधे घंटे में एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि इतने व्लॉग्स अभी तक ऐड किए हैं, मोर देन 150 वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस. सो या जितना हाथ बैठ जाता है एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे उतना सही है, नहीं तो स्टार्टिंग में बंदा हिम्मत आ लेता है यार एडिटिंग नहीं सीखोगी या चलो छोड़ो मैंने यूट्यूब कर रहा या मैंने ये चीज़ कर रहा, क्योंकि हर चीज़ पर जो भी चीज़ आपने अचीव करनी है उस पर हाथ बिठाना ही पड़ता है एंड वो चीज़ प्रैक्टिस से ही होगी, एक्सपीरियंस से ही होगी. सो या मेरे को तो 3 साल हो गया है. सो आप लोग भी अगर सोच रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो, सो दैट 3 साल बाद आप भी मज़े करो, वीडियोस बनाओ, लोगों को दिखाओ, समझ रहे हो, एंड दुखी मत रहो 24 घंटे. तो या मैं मैनेज कर लेता हूँ, अपनी डाइट भी मैनेज कर लेता हूँ. अगर रात को जाके मेरा कोई व्लॉग एडिट होकर ख़त्म हुआ है तो मेरे को पता है मैंने जिम भी करना है, सो मैं रात को 1-2 बजे भी जिम कर लेता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ एंड सुबह उठता हूँ आराम से, जस्ट चिल चिल. सो या आई थिंक आज के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है क्यू एंड ए वेडनेसडे के लिए. अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्यू एंड ए वेडनेसडे को मैं किसी के साथ वीडियो बनाऊँ या किसी के बारे का क्वेश्चन आया उसको अपने साथ में, हाँ भाई तू जवाब दे, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में पक्का बताओ. एंड या दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब. ये वीडियो पे हमको चाहिए कुछ 40,000 लाइक, ठोक डालो, लव यू. अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट के वेडनेसडे को. थैंक यू फॉर आस्किंग एंड गिविंग मी टाइम इतना क्वेश्चन पूछने के लिए. जल्दी ही डालूंगा नेक्स्ट यूट्यूब शॉर्ट, उस पर आप ढेर सारे क्वेश्चन पूछना और मैं ढेर सारे आंसर दूंगा और ढेर सारी मस्ती करेंगे, क्योंकि अर्श फैम बैठा है जहाँ. ओके बाय.